हेलो गाइज, वेलकम बैक माई चैनल भारतीय बाजार। यूनिमा कैपिटल आईपीओ की आज अलॉटमेंट डेट है। अभी तक अलॉटमेंट आउट नहीं हुई है। अलॉटमेंट चेक करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हैं आपका आईपीओ अलॉट हुए नहीं हुए। जब भी अलॉटमेंट आउट होगी आपको पता चल जाएगा। चलिए हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि कितने लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल सकती है एंड इसकी लिस्टिंग गेन क्या मिल सकती है, लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सारे टॉपिक्स पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। इस आईपीओ में टोटल सब्सक्रिप्शन जो हुआ है 55.26 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी 17.15 गुना भरा है एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी 64.95 गुना भरा है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी 116.73 गुना हुआ है। बहुत अच्छा सब्सक्राइब हुआ है। इसमें थोड़ा सा और सब्सक्राइब होना चाहिए था, 60-70 को क्रॉस करना चाहिए था, लेकिन 55.26 टाइम से सब्सक्राइब हुआ है। बहुत अच्छा सब्सक्राइब हुआ है। जमकर लोगों ने इस आईपीओ में पैसा बरसाया। काफी डिमांडेबल आईपीओ था। इसकी बिजनेस मॉडल काफी यूनिक है। इसका बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छा प्रदर्शन करती है, काफी अच्छा वहां से भी रेवेन्यू जनरेट करती है इंटरनेशनल मार्केट से भी एंड इंडियन मार्केट से भी। रिटेल कैटेगरी को भी अपना प्रोडक्ट्स बेचती है एंड थोक विक्रेता जितने भी फार्मास्यूटिकल की टॉप 10 कंपनियां हैं सबको अपना ये प्रोडक्ट्स बेचती है। अजंता फार्मा हो गया या फिर माइनकाइंड फार्मा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंडिया का फार्मास्यूटिकल टॉप 10 कंपनियां सबको ये दवाइयां सप्लाई करती है। बहुत ही अच्छा इसका प्रोडक्ट है। इसका प्रोडक्ट काफी डिमांडेबल है। इरिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड हो गया, इंडिको रेमेडीज लिमिटेड हो गया, जेबी केमिकल हो गया, ये सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। कोरोना रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड, इमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, लुपिन लिमिटेड, इंतास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो फार्मास्यूटिकल की कंपनियां हैं सभी इसके क्लाइंट्स हैं। सबको ये अपना प्रोडक्ट्स बेचती है। इसका क्लाइंट बेस काफी मजबूत है, बिजनेस मॉडल काफी अच्छा डिमांडेबल है, लेकिन फाइनेंशियली ये थोड़ा सा वीक चल रहा था। इसकी वजह से इसकी जीएमपी में थोड़ा गिरावट देखने के लिए मिला। लगातार इसकी जीएमपी गिर रही है। तो इस आईपीओ में टोटल सब्सक्रिप्शन 55.26 टाइम्स हुआ है एंड 5 से 6 लोगों की आईपीओ अलॉट हो सकते हैं। काफी ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है तो 100 में से 5 से 6 लोगों को आईपीओ अलॉट हो सकते हैं। अलॉटमेंट चेक करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। इसकी जीएमपी देखें तो आज इसकी जीएमपी 88 रूपये पर चल रही है, जो की इसकी जीएमपी का ओपनिंग 210.88% प्रीमियम के साथ हुई थी और अभी इसकी जीएमपी काफी ज्यादा गिर चुकी है, 88 रूपया ही बचा है, जो की अनलिस्टेड मार्केट में 19.64% प्रीमियम के साथ 536 पर ट्रेड करी है। बहुत ज्यादा इसकी जीएमपी गिर चुकी है। इसका जो जीएमपी स्टार्ट हुआ था उससे ये आधा भी नहीं रहा, आधा से भी कम हो गया है, 19.64% ही बचा है। काफी तेजी से इसकी जीएमपी गिरा है। इसकी वजह इसकी फाइनेंशियल हो सकती है, क्योंकि ये फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक था, बाकी इसके सारा कुछ डेटा पॉजिटिव है। इसकी क्लाइंट बेस काफी अच्छा है, इसका बिजनेस काफी अच्छा है, डिमांडेबल प्रोडक्ट है, काफी अच्छा इसका बिजनेस है, लेकिन इसकी फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक चल रही थी, इसकी वजह से इसकी जीएमपी में धड़ाधड़ गिरावट देखने के लिए मिला। हालांकि इधर जितने भी आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं सबका जीएमपी से काफी नीचे जाकर के आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं। जितना भी प्रीमियम चल रही है अनलिस्टेड मार्केट में उससे बहुत नीचे जाकर के आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं। तो इस आईपीओ में लगभग 5 से 6 लोगों का अलॉटमेंट मिलेगा एंड लिस्टिंग गेन इसमें अभी थोड़ा और प्रीमियम गिर सकती है। इसकी लिस्टिंग का जो क्यास हम लोग लगा सकते हैं 8% से लेकर के 20% के बीच में इसकी लिस्टिंग हो सकती है, या फिर इससे भी थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। 8% से लेकर के 20% प्रीमियम के बीच में इसकी लिस्टिंग हो सकती है। इससे ज्यादा इसमें लिस्टिंग गेन नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी जितने भी आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं सब अपने प्रीमियम से काफी नीचे जाकर के लिस्ट हो रहे हैं। तो इसमें भी 8% से लेकर के 20% जीएमपी के साथ प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग हो सकती है। सो आई होप सर पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आईपीओ से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।